काशीपुर में मामूली से विवाद में 5-6 लोगों ने एक युवक को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। आरोपियों ने युवक को इस कदर मारा कि अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मृतक की पहचान फहीम अब्बासी के रूप में हुई। वो किसी काम से अपने भाई के साथ गंगे बाबा रोड गया था। इस दौरान मामूली सी बात पर पास में खड़ा एक युवक उससे भिड़ गया और दोनों के बीच मारपीट हो गई। युवक ने फोन करके अपने साथियों को भी बुला लिया। हमलावरों ने उसके पेट और सिर पर घातक प्रहार किए और अधमरा छोड़कर फरार हो गए। एसटीएच में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसपी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि इस घटना के दौरान फहीम का भाई नईम भी उसके साथ था। नईम ने पुलिस को बताया कि शराब की दुकान के सामने विकराल व उसके साथी रुपयों को लेकर झगड़ा करने लगे। आरोपियों ने फहीम के ऊपर लोहे के बाट से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी की तलाश जारी है। देखिए, गंगे बाबा रोड में शाम के समय ये ठेके के पास एक फहीम नाम का लड़का था, जिससे कि कुछ लोगों ने मारपीट करी थी और बाद में जिला अस्पताल से रेफर होने के बाद सुशीला तिवारी में उसकी मृत्यु हो गई थी। परिजनों के द्वारा 5 तारीख को इसमें एक तहरीर दी गई और घटना के दिन की भी हमारे पास सूचना थी। तत्काल हमने इसमें एक टीम का गठन किया और जो CCTV और 22वां में जो परिजनों के द्वारा नामजदगी की गई थी, इसमें विकराल, विकास और अनुज 3 लड़कों को हमने अरेस्ट किया है। जो मारपीट में प्रयुक्त जो लोहे की बाट और वो चीज़ें थी, उसको हमने बरामद कर लिया है। आज इन 3 अभियुक्तों का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने जा रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन MP टू बी NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।